नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। हेलो क्लास, चलिए अब हम उदाहरण कर लेते हैं दीर्घवृत्त में जो अभी तक हमने पढ़ा। तो ये उदाहरण क्या कह रहा है? दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो क्या है दीर्घवृत्त की समीकरण? एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो क्या पूछ रहा है? सबसे पहले नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। तो चलिए पहले नाभि और शीर्षों के निर्देशांक याद करें। देखिए, अब इसमें एक चीज आपको याद करने वाली ये है। अब आप कहेंगे कि हमने दीर्घवृत्त की दो समीकरण पढ़ी, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 और एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। तो इन दोनों में से हम इसमें कंपेरिजन किससे करें? हम आप कहेंगे मैं इससे भी कर सकता हूं और इससे भी कर सकता हूं। तो ऐसा क्या तरीका है कि कंपैरिजन मुझे किससे करना है? तो देखिए, यहां जब स्थिति यह वाली जो स्थिति है जिसका नाम एक रखा था हमने और इस वाली स्थिति का दो नाम रखा था। तो स्थिति एक में आपको याद है हमने जो दीर्घाक्ष मानी थी वह कहां मानी थी? एक्स अक्ष पे। कहां मानी थी? एक्स अक्ष पे। और ए का मान और वो जो दीर्घाक्ष थी उसका नाम दीर्घाक्ष इसीलिए था क्योंकि वह बड़ी थी। क्या थी? बड़ी थी। अगर एक्स स्क्वायर के बटे में यानी कि एक्स स्क्वायर के बटे में चीज बड़ी हो, क्या हो? बड़ी चीज हो। जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर बटे 25 है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें यह जो समीकरण नंबर एक है या स्थिति एक है उसके साथ कंपैरिजन करनी है। क्यों? क्योंकि यहां जो दीर्घाक्ष का मान होगा यानी कि ए स्क्वायर बराबर 25 होगा। अगर हम इसका कंपेरिजन इससे करते हैं एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 से, तो यहां पर जो ए स्क्वायर का मान आएगा क्या आएगा? 9 आएगा, यानी कि ए का मान 3 आएगा और बी का मान 5 आ जाएगा। तो लघु, अभी बी क्या होती है? लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष है ना, तो वह तो दीर्घ अक्ष से बड़ी हो जाएगी। तो जब आपको लगे कि जब एक्स स्क्वायर के बटे में बड़ा हो तब आपको एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से कंपैरिजन करना है। जब वाई स्क्वायर के बटे में बड़ी संख्या हो, एक्स स्क्वायर के बटे से ज्यादा बड़ी संख्या हो, तब आपको एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 से कंपेयर करना है। अच्छा, उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1, आपको अगर यह समीकरण दी गई होती तो यहां पर आप किससे कंपेरिजन करते? तब आप इस स्थिति दो से कंपैरिजन करते। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अब आपको ए स्क्वायर का मान मिलेगा वह 25 मिलेगा। क्या मिलेगा? 25 मिलेगा, यानी कि ए का मान आपको 5 मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि यह जो दीर्घवृत्त का समीकरण है वह कहां बन रहा है? वह बाई अक्ष की बाई अक्ष पर बन रहा है, यानी कि उसका दीर्घाक्ष जो है बाई अक्ष पर है। और इस स्थिति में उसका दीर्घाक्ष कहां होगा? क्योंकि यहां ए का मान 5 मिल रहा है लेकिन इस वाली समीकरण से कंपेयर करने पर 5 मिल रहा है, तो कहां बनेगा? एक्स अक्ष पर उसका दीर्घ अक्ष होगा, है ना। तो यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि कब किसके साथ कंपैरिजन करना है। तो अभी हमें जो उदाहरण में समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, उसका किससे करना है कंपेरिजन? इस स्थिति एक वाली समीकरण से। तो चलिए इससे हम कंपेरिजन कर देते हैं। तो हमें यहां क्या मिलेगा? देखिए, ए स्क्वायर बराबर 25 या यूं कहें ए बराबर 5 और बी स्क्वायर बराबर 9 यानी कि बी बराबर 3। बात वही आ गई प्लस माइनस 5 वाली।
लेकिन ए और बी क्या है, दूरियां हैं, तो हमेशा प्लस ही लेनी है, आपको यह बात याद रखनी है। चलिए अब हमने मान लिया यह जो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें दिया गया है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, पहले नाभियों के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब F1 और F2 ढूंढने हैं। तो याद कीजिए, आपको इस जो मूल बिंदु O था या दीर्घवृत्त का केंद्र था, यहां हमने दूरी C मानी थी, है ना। तो F1 के निर्देशांक हमें क्या मिले थे, -C,0, है ना, और यह तो F1 के निर्देशांक हो गए, और F2 के निर्देशांक हमें क्या मिले थे, C,0। अब यहां से C का मान हम कैसे निकालें, बताइए हम C का मान कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास A और B के मान हैं, और A और B और C में एक संबंध था, क्या था, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या यूं कहें सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास ए स्क्वायर का मान क्या है, 25, माइनस बी स्क्वायर का मान 9, यहां से क्या आया 16, यानी कि सी का मान क्या आएगा, 4 आएगा, वही प्लस 4 लेना है क्योंकि दूरी है। अब आपके पास सी का मान आ गया, तो आप नाभियों के निर्देशांक बता सकते हैं, F1 क्या आएगा बताइए, -C,0, यानी कि -C -4,0, और F2 क्या आएगा, 4,0। अब हमें नाभियां तो पता लग गई, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर शीर्ष कहां होंगे, यहां होंगे, है ना, यही होते हैं शीर्ष, आपको याद है, यही होते थे शीर्ष हमारे पास, जहां पर हमारा दीर्घ अक्ष उस दीर्घवृत्त को काटता था, है ना। तो यहां पर दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष है, तो इसके निर्देशांक क्या आते थे, और इसकी दूरी हमने क्या ली थी, ए ली थी, कहां से, मूल बिंदु से। तो अब आपने ए ली थी, तो अगर मैं इस बिंदु को नाम दे दूं ए और इस बिंदु को नाम बी दे दूं, तो मुझे बताइए इस ए के निर्देशांक क्या आएंगे, ए के निर्देशांक हमारे पास आए थे -A,0, क्यों, क्योंकि यह ऋणात्मक दिशा में है, तो यहां से ए का मान आपके पास क्या है, 5, -5,0। और बी के निर्देशांक क्या आएंगे, अगर मैं बी के निकालूं, क्योंकि बी भी तो एक शीर्ष है, बी के आएंगे 1,0, यानी कि 5,0। तो हमें शीर्षों के निर्देशांक क्या मिले, -5,0 और 5,0। अब हम दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई देख लेते हैं। तो आपको याद होगा दीर्घ अक्ष की लंबाई हमने क्या निकाली थी, जब हमारे पास इस स्थिति में क्या था, दीर्घवृत्त था, तो हमने क्या निकाली थी बताइए, दीर्घ अक्ष क्या हो गई आपकी पास, यह जो ए बी दिख रही है आपको, ए बी रेखा, यही दीर्घ अक्ष हो गई, है ना। तो इसकी लंबाई देखिए, ओ ए की लंबाई क्या है, ए है ना, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, 2A हो जाएगी, है ना, और ए का मान आपके पास 5 है, यानी कि जो दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई आपके पास 10 आ गई, और लघु अक्ष ये होगी, है ना, यहां से यहां तक, अगर मैं इसको C और यहां नीचे D नाम दे दूं, तो ये CD क्या है आपके सामने, यह लघु अक्ष है ना, और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई क्या है, B है, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हमने 2 भी निकाली थी, आपको यह चीजें तो याद रखनी ही होंगी। और B का मान आपके पास क्या है, 3 है, तो यहां से 6। अब आप देखिए, आपके पास दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई से ज्यादा आई है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कि हम जो कर रहे हैं कंपैरिजन बिल्कुल सही किया है हमने ए और बी का। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, उत्केंद्रता पूछ रहा है, तो उत्केंद्रता कैसे निकालें, और नाभिलंब जीवा की लंबाई भी पूछ रहे हैं। तो आपको याद है उत्केंद्रता ई बराबर क्या क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, सी बटे ए, जी हाँ, और सी का मान हमने क्या निकाला था, अभी देखिए हमने सी का मान 4 निकाला था, चलिए एक बार फिर से निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, या सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान आपके पास 25 है, बी स्क्वायर का 16 है, यानी बी स्क्वायर का मान आपके पास 9 है, तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16, तो यहां से आपके पास सी बराबर 4 आ गया, है ना। तो यहां रख दीजिए, अब आप सी का मान आपके पास 4 है, ए का मान आपके पास 5 है, तो उत्केंद्रता क्या आ गई, 4/5 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो हमने नाभिलंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
टू बी स्क्वायर बटे ए, यही पढ़ा है। यह कुछ फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह आपको याद रखने होंगे। तो हमने बी स्क्वायर का मान आपके पास क्या है, 9 है, और ए का मान 5 है, तो यहां से क्या आया, 18/5। यह क्या आ गया आपके पास, नाभिलंब जीवा की लंबाई आ गई। तो हमें प्रश्न में जो जो पूछा गया था हमने सारी चीजें निकाल दी। क्या क्या निकाली हमने, नाभियों के निर्देशांक हमने निकाले -4,0 और 4,0। शीर्षों के निर्देशांक हमने ए और बी निकाले, जो क्या है, -5,0 और 5,0। हमने दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाली 10, लघु अक्ष की लंबाई निकाली 6, उत्केंद्रता निकाली हमने 4/5, और नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाली 18/5।